हाय हेलो नमस्ते यार, स्वागत है आप सभी लोग का बिजी बर्ड्स गेमिंग के एक और फ्रेश वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ओपी ट्रिक पे होने वाली है, मतलब बग पे होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को तीन ऐसे ऐसे बग्स बताऊंगा जो आप यूज़ करके अपने एनिमीज फ्रेंड्स सबको सरप्राइज कर सकते हो और आपकी भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं गिव अवे से रिलेटेड भी कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं हमारे फर्स्ट बग की ओर। तो जो हमारा फर्स्ट बग है, इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें आपको मतलब आप ये कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे ये चेयर हो या फिर अभी भी वेंजेंस इवेंट वाला जो चेयर है, अगर वो ऑब्जर्वेटरी सब जगह पे अवेलेबल होता है तो आप वो सब जगह पे ये बग को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें गाइस क्या होता है, रेट ऑफ फायर आपके, जैसे कि मेरे गन का अभी देखो कितना मतलब स्लो में गोली निकलेगा, तो ये नॉर्मल तरीके से गोली निकलता है, ठीक है। और गैस अगर मैं M10 की बात करूँ तो ये जो मेरे पास गन है इसका डैमेज डबल है, रेट ऑफ फायर एक माइनस और मैगजीन सिंगल है, ठीक है। लेकिन गैस अगर मैं इसे फायर करूँ, इस मतलब आप लेफ़्ट फायर बटन और सेट के बटन को प्रेस करते जाना, मतलब लेफ़्ट फायर बटन को एक बार प्रेस करना है और सेट के बटन को दो बार प्रेस करना, मतलब दो बार नहीं मतलब प्रेस करते जाना। तो गैस आप देख सकते हो कितना स्पीड में गोली निकलेगा। और सेम चीज़ मैं डेजर्ट ईगल के साथ भी करके दिखाता हूँ आपको, मतलब सर रेट ऑफ फायर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना, अगर आप ऑब्जर्वेटरी पे आपकी फाइट होती है और अगर आप चेयर के पास होते हो, तो गाइस इतना ज़्यादा रेट ऑफ फायर पे बंदा भाग भी नहीं पाएगा, ठीक है, भाग भी नहीं पाएगा और आपकी गोली उसे लगनी है। गाइस मैं बात कर लेता हूँ ये छोटो वाली शॉटगन की भी, तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पीड में। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बग की ओर, या कह सकते हो सेकेंड बग की ओर। तो चलो सेकेंड बग भी देख लो, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट बग की ओर। सो गाइस फर्स्ट बग जो है हमारा होने वाला है यहाँ पे क्लॉक टायर की इस जगह पे। आपको कोई भी व्हीकल लेके, मैं यहाँ पे टुक टुक लेके आ रहा हूँ, और इस तरह से पॉइंट मतलब लगा देना है अपने व्हीकल को, और आपको बाद में जो जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसको सिंपली फॉलो करना है, और आपको जो देखने को मिलेगा वो आपके फ्रेंड्स और आपको बहुत ज़्यादा अमेज करने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली अपने डाटा कनेक्शन, आप वाईफाई यूज़ करते हो या डाटा, आपको सिंपली उसको ऑफ कर देना और 99 पिंग होने का वेट करना है। जैसे ही 99 पिंग जाता है आपको क्या करना है, अपने टुक टुक को पीछे घुमा लेना है जिस तरह से यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, और सीधा आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपका अगर यहाँ पे फ्रेंड होगा तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ा रह सकता है, क्योंकि आपको कोई बंदा आके ना मारे, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल भी सोलो में भी ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही बंदे आते हैं। सो गाइज आपको मैं चलते चलते तब तक मैं गिव अवे से रिलेटेड भी बता देता हूँ। सो गिव अवे में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद गाइज क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर मेरे को फॉलो कर लेना है। और हाँ, फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पे मेरे को DM कर देना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका स्क्रीनशॉट, और किस नाम से किया है। गाइज आप विनर अगर बनोगे, और अगर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप जल्द मतलब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आप वीडियो को शेयर करो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो गाइज बढ़ते हैं बग की ओर। आपको यहाँ पर आने के बाद सिंपली नेट ऑन कर लेना है, और उसके बाद अपने पिंग को नॉर्मल होने देना है। जैसे ही मेरा पिंग यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको और आपके फ्रेंड दोनों को अमेज करने वाला है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरा पिंग नॉर्मल हो गया और मैं इसके नीचे आ गया, ठीक है। देख सकते हो गाइस मैं यहाँ इसके नीचे आ गया, और इससे गाइस अगर आपको कोई बंदा मारेगा तो भी नहीं, और आप भी नेट फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर ही में आप रह जाओगे, ठीक है। बाहर निकलना है तो गाइस सेम क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नेट वगैरह ऑफ करके बाहर आप निकलोगे। लेकिन गाइस बाहर निकलने का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे जोन बहुत ज़्यादा बनता है और आप सर्वाइव तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। गाइस बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट बग की ओर। तो चलो यार नेक्स्ट बग भी देख लो। इस बग को परफॉर्म करने के लिए आप देख सकते हो मैं स्पेक्टेट कर रहा हूँ अपने एक दोस्त को, और आपको भी वही करना है, आपको एलिमिनेट या स्पेक्टेट करना है। उसके बाद गाइस आपके जैसे ही विक्ट्री हो जाती है या डिफीट, आपको सिंपली अपने होम बटन पे आ जाना है। गाइस इंस्टेंट प्रेस करना, अगर नहीं करोगे थोड़ी भी लेट होगी तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगा। जैसे ही गाइस हो जाता है आपको कुछ सेकेंड का वेट करना है, उसके बाद वापस से फ्री फायर को ओपन करना है। जैसे ही गाइस आप ओपन करोगे तो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा कि आप भाई अपने मतलब जो वो है उससे बाहर आ चुके हो। और गाइस मैं आपको गन भी परचेज़ करके दिखा रहा हूँ, ये गन भी परचेज़ हो जाता है, ठीक है।
गन भी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने M1887 परचेस किया और ये परचेस भी हो गया। और सिंपली आप गाइस एनिमीज़ को सरप्राइज कर सकते हो इस तरह से और उसे मार भी सकते हो। सो गाइस कैसा लगा बग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ गाइस, अगर भाई गिवअ में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यार मेरे को बहुत मोटिवेशन फील होता है, तो यार प्लीज़ मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ आपके एक सब्सक्राइब एक लाइक से। तो यार प्लीज़ से प्लीज़ यार कर लो ये सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। तो गाइस बढ़ते हैं यार हमारी मतलब एंडिंग की ओर। तो यार मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को जो जो मैंने क्राइटेरिया बोला उसको सिंपली फॉलो कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ठीक है गाइस, अब यार इस वीडियो के व्यूज़ वगैरह जज मत करना कि भाई इस वीडियो का व्यूज़ कम है या सब्सक्राइब ये लाइक कम है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। यार आप करोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होती है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।